और ये सेकेंड हैंड सेटअप है। फिलहाल इसका डिटेल्स आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लीजिएगा और कितना प्राइस है। और में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर सेकेंड हैंड सेटअप, क्योंकि यहाँ पर कमेंट काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे और वॉइस में थोड़ा बहुत जो है चेंजेस आपको मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बाहर जो है काफ़ी ज़्यादा हवा चल रहा है। तो फिलहाल ये है सेटअप और ये सेकेंड हैंड सेटअप है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नीचे जो है कमेंट बॉक्स में नंबर दे दूँगा। फिलहाल अभी आप कॉल मत करिएगा, अभी फ़िलहाल इसका डिटेल्स आप देख लीजिए, कहाँ का डीजे सेटअप है और क्या डिटेल्स होने वाला है, स्पीकर में क्या स्पीकर मिलने वाला है और कितना प्राइस आपको पड़ने वाला है। तो वीडियो में बने रहिएगा, साउंड चेक से लेकर के सारा डिटेल्स आपको देने वाला हूँ। तो फिलहाल ये है बेस आपका, बेस में स्पीकर के बारे में बात करेंगे तो 1700 वाट का एरोंस का स्पीकर इसमें लगा हुआ है। और इधर जो है दूसरा बेस, इसमें भी एरोंस का 1700 वाट का स्पीकर लगा हुआ है। ये आप जो चार टॉप देख रहे हैं, चार टॉप में लगा हुआ है PIDO का 2226 जो कि ओल्ड मॉडल स्पीकर है, वो स्पीकर यहाँ पर लगे हुए हैं। और ऊपर में जो है 100 वाट का HF का यूज़ किया गया है, जो कि PIDO का ही यहाँ पर HF यूज़ किया गया है। कुल मिलाकर के 1300 वाट का चार टॉप आपको देखने को मिलता है और 1700 वाट का दो बेस देखने को मिलता है, जो कि बेस जो है स्कूप बेस है, 3.5 फीट में आपको देखने को मिल जाता है। कंडीशन के बारे में बात करेंगे तो कंडीशन आप देख ही सकते हैं, कुछ इस प्रकार से कंडीशन आपको देखने को मिल जाता है। और फिलहाल अभी हम चढ़ते हैं ऊपर, और ऊपर भी आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है। और आपको यहाँ पर JBL SRX 725 आपको तीन आपको देखने को मिलते हैं और ये आपका एक स्क्वायर मॉडल आपको देखने को मिल जाता है। कंडीशन आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। तो बैक में यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, पीछे चलते हैं, पीछे भी आप देख सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा हवा भी चल रहा है तो थोड़ा बहुत साउंड में नॉइस आ सकता है। और पीछे आप देख सकते हैं वायर इसमें सब में यूज़ किया गया है, स्पीकर आपको जो है नहीं मिलने वाला इसमें, और डायरेक्ट वायर यहाँ पर यूज़ किया गया है। स्पीकर जो है आप अलग से लगा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल इसमें स्पीकर का यूज़ नहीं किया गया है। और हवा भी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है फ़िलहाल, तो साउंड में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है। और यह है इसको बेस 3.5 फीट में, और यहाँ पर है ये आपका कैबिनेट। कैबिनेट नज़दीक से मैं आपको दिखा देता हूँ इसका कंडीशन कैसा है। तो कुछ इस प्रकार से जो है कैबिनेट आपको मिलने वाला है, देख सकते हैं कैबिनेट थोड़ा सा जो है डैमेज आपको देखने को मिल रहा होगा, कंडीशन थोड़ा सा इसका ख़राब है लेकिन काफ़ी सही है। स्पीकर वगैरह सारा चीज जो है अच्छा है। और टॉप का कंडीशन कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है। बेस आप नीचे देख सकते हैं, ये आपको दो बेस देखने को मिलेगा जो कि 1700 वाट का रहेगा। और इधर फिलहाल एम्पलीफायर वगैरह सारा चीज़ लगा हुआ है, इसमें स्टेबलाइजर अगर आप लेना चाहते हैं तो स्टेबलाइजर भी आपको मिल जाएगा, और बिना स्टेबलाइजर लेना चाहते हैं तो विदाउट स्टेबलाइजर भी आप ले सकते हैं। कनेक्शन आप देख सकते हैं, सारा चीज़ कनेक्शन किया गया है। मैं आपको बता देता हूँ एम्पलीफायर आपको क्या क्या देखने को मिलता है। पहले ऊपर में आपको मिलता है UM6 जो कि स्ट्रेंजर का मिक्सर है, और यह है एनलैप्स का X5, यह है स्ट्रेंजर का SPB4K जो कि इसमें अभी फ़िलहाल चल रहा है चार टॉप, जो कि ओवरलोड है, मैं मानता हूँ ओवरलोड है लेकिन ये चला लेता है। और फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप सेटअप अगर अच्छे से बजाना चाहते हैं ज़्यादा साउंड में, तो आप एक एम्पलीफायर और यूज़ करेंगे इसमें तो काफ़ी सही रहेगा। और इसमें जो है एक बेस इसमें चल रहा है, मतलब 8 ओम्स के ऊपर ये यूज़ किया गया है, 1700 और 1700 इसमें लोड डाला गया है, और इसमें जो है 2 ओम्स के ऊपर 2600 और 2600 लोड डाला गया है। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको एम्पलीफायर और ये स्टेबलाइजर अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, 5 kVA का है। और इसमें जो है ये एम्पलीफायर जो है इसको आप चला सकते हैं या इसको चला सकते हैं। फिलहाल अभी ये इस स्टेबलाइजर में ये एम्पलीफायर यूज़ हो रहा है और इसके लिए अलग से स्टेबलाइजर लगाया गया है। उधर आप बोर्ड देख सकते हैं, और बोर्ड जो है वो वायर आप देख सकते हैं वो ब्लैक वाला, तो उसमें जो है एक स्टेबलाइजर अंदर है तो उससे जो है इसमें लाइट आ रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर कुछ इस प्रकार से डिटेल्स होने वाला है। स्पीकर भी मैंने आपको बता दिया है कि 600 वाट का डुअल टॉप आपको मिलेगा PIDO का। पीछे से कंडीशन आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है, और एक आपको जो है स्क्वायर मॉडल मिलेगा और तीन आपको SRX 725 मिलेगा। और बाद बाकी आप स्कूप देख ही सकते हैं, यह 3.5 फीट का स्कूप है
और चलिए इसका साउंड टेस्टिंग कर लेते हैं फिलहाल। और इसमें आपको NCS सॉन्ग जो है हम प्ले करेंगे, और अगर आप इसमें SCG सॉन्ग या और भी कुछ सॉन्ग में अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप हमारे सेकेंड चैनल DJ अभी व्लॉग में आप जा कर के चेकआउट कर सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप चेकआउट कर लीजिएगा। फिलहाल ये मिक्सर है, मिक्सर ऑन है और स्टेबलाइजर भी ऑन है, एम्पलीफायर वगैरह सारा चीज़ ऑन है जैसे कि आप देख ही सकते हैं। और ये है गेन, तो इसको पहले हम क्या करते हैं कम कर लेते हैं फिलहाल, उसके बाद जो है बारी बारी से मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। और यहाँ से हम सॉन्ग कर लेते हैं प्ले, यहाँ से सॉन्ग प्ले हो चुका है और इसमें हमने लगाया है। और इसका पीछे का कनेक्शन मैं वीडियो के लास्ट में दिखा दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। तो यहाँ से साउंड जो है थोड़ा सा बढ़ाएंगे, और यहाँ से ये बेस अभी थोड़ा सा ओपन है इसलिए चालू हो चुका है। और आप हेडफोन का यूज़ करिएगा बेटर साउंड के लिए।
right with you and I will not be alone. तो अभी फ़िलहाल इसको बंद कर देते हैं, और अगर आप जो है साउंड चेक अगर सीजी सॉन्ग या फिर उस टाइप के सॉन्ग में अगर सुनना चाहते हैं तो आप डीजे अभी व्लॉग्स चैनल में चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल हम बढ़ते हैं इसके प्राइस डिटेल्स के ऊपर, इसका प्राइस क्या होगा। और इसका प्राइस जो है वो लगभग 2,10,000 के आसपास रखा गया है। अगर आप स्टेबलाइजर के साथ और आल केबल वायर अगर आप लेते हैं तो उसमें आपका ये 2,10,000 में स्टेबलाइजर के साथ आपको मिल जाता है। स्टेबलाइजर जो है वो 5 KVA का है, मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये स्टेबलाइजर जो है 5 KVA का स्टेबलाइजर है, इसमें आपको आल केबल वायर आपको दिए जाएंगे, सारा चीज़ आपको जितने भी चीज़ लगते हैं वो सारा चीज़ आपको मिल जाएगा 2,10,000 रुपये में। और फिलहाल अगर हम एड्रेस के बारे में बात करेंगे तो एड्रेस जो है वो जो है छत्तीसगढ़ डिस्ट बलरामपुर में आपको आना पड़ेगा, जो कि ताता पानी आप सर्च कर लेना और मैप में आप सर्च कर लीजिएगा। अगर आप नज़दीक से हैं तो ज़रूर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर आप ज़्यादा दूर से हैं तो थोड़ा सा जो है आपको परेशानी हो सकती है। अगर आप नज़दीक से हैं, अगर आप लेने में इच्छुक हैं, अगर आपको लेना है सेकेंड हैंड सेटअप और इस टाइप का सेटअप जो कि मैंने आपको बताया, 2,10,000 में जो है आपका स्टेबलाइजर के साथ आपको मिल जाएगा। स्टेबलाइजर के साथ आपको ये सेटअप जो है दे दूंगा, जो कि आल केबल वायर सारा चीज़ रहेगा और एक स्टेबलाइजर रहेगा, और ये आपका एम्पलीफायर, 2 एम्पलीफायर रहेगा। इसका कनेक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। कनेक्शन चैनल 1 में हुआ है, पैरेलल कनेक्शन है, पैरेलल में एम्पलीफायर चल रहा है और वहाँ से ये रेड वाला वायर इसमें लगा हुआ है, और एक जो राइट चैनल में जो लगा हुआ है वहाँ से ये वाला वायर आ रहा है और लगा हुआ है इसमें स्ट्रेंजर के इस वाले चैनल में, और यहाँ से यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये एम्पलीफायर दोनों चैनल यूज़ हो रहा है जैसे कि आपने देखा वीडियो में, और यहाँ पर बेस लगा हुआ है और इसमें टॉप लगा हुआ है, दो टॉप इसमें लगा हुआ है, एक बेस इसमें लगा हुआ है। कनेक्शन मैंने आपको बता दिया कैसा कनेक्शन किया गया है। मिक्सर भी आप देख सकते हैं, कंडीशन काफ़ी अच्छा है। टॉप का जो है थोड़ा सा, 3 टॉप जो आपको देखने को मिल रहा है उसका कंडीशन थोड़ा सा जो है आप लो कह सकते हैं, लेकिन स्पीकर्स वगैरह आपको ओरिजिनल स्पीकर देखने को मिलता है, कोई भी कॉपी स्पीकर्स इसमें यूज़ नहीं किया गया है। स्टेबलाइजर आप देख सकते हैं, स्टेबलाइजर भी काफ़ी अच्छा कंडीशन में आपको देखने को मिल जाता है। 5 KVA का स्टेबलाइजर है और इसमें आप स्ट्रेंजर का SPV4 के या फिर एनलैप्स का X5 कोई भी एक एम्पलीफायर चला सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको सारा डिटेल्स आपको दे दिया है। तो चलिए वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिलहाल इधर अब सेटअप मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ क्या सेटअप आपको मिलने वाला है। तो फिलहाल ओवर लुक आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है। और बच्चे लोग कभी भी डीजे बजाओ तो बच्चे लोग आना ही आना है, मतलब अभी तो कम है और बच्चे लोग चले गए, यहाँ पर कम से कम 10 से 15 बच्चे लोग आ ही जाते हैं अगर डीजे सेटअप चालू हुआ तो, कोई भी डीजे सेटअप। तो फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप इसका सीजी सॉन्ग में साउंड चेक सुनना चाहते हैं तो नीचे जो है कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लीजिएगा, वहाँ पर जो है आपको डिटेल्स मिल जाएगा कि स्पीकर कौन सा यूज़ किया गया है और कितना प्राइस है और कहाँ पर ये आपको सेटअप मिल जाता है। अगर ये सेटअप बिक जाता है तो वहाँ से आपको नंबर जो है नहीं मिलेगा, नंबर हटा दिया जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी बता दिया जाएगा कि यह सेटअप फिलहाल बिक चुका है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।